एकता विधानसभा 2023 में फर्स्ट टाइम वोटर रहेंगे निर्णायक भूमिका में। आपको बताएंगे इस बार करीब 30,000 से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर है जिनकी रुझान है जिस तरफ जाएगा वो ही इस बार जीत का सेहरा पहनता नजर आएगा। जी हम बात करते हैं राजस्थान की मिड सेंटर में बसी और राजस्थान की होट सीट कहे मेड़ता सिटी की, मेड़ता सिटी माँ भक्त शिरोमणि मीराबाई की, आराध्य देव चारुजनाथ की जो विधानसभा सीट है, इस बार जो विधानसभा चुनाव है बहुत रोचक और रोमांचक होने वाले हैं। आपको बताएं कि मेड़ता जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित सीट है और पिछले 4 टर्नियों से अगर देखा जाए इस बार को मिला लें तो 4 जो टर्नियर है उसमें आरक्षित सीट रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि इस बार ये आरक्षित सीट है वो लास्ट मौका है आरक्षित वर्ग को मिल सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं मेड़ता में मतदाताओं का किस प्रकार से रुझान आएगा, कितने मतदान है, और पिछली बार विधानसभा चुनाव में अगर बात कर लेते 2018 की तो दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो तीसरे और चौथे नंबर पर रही। आपको बताएं कि मेड़ता विधानसभा से 2018 में आरएलपी पार्टी की इंदिरा देवी बावरी है वो जीत कर विधानसभा में गई, 12,000 से अधिक वोटों से वो जीती है। और अगर रनर अप की बात करें दूसरे नंबर की तो लक्ष्मण कलरू है वो निर्दलीय के रूप में दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएंगे इनकी जीत हार का जो मार्जिन रहा है, इंदिरा देवी बावरी 12,835 वोटों से जीती है और इंदिरा देवी बावरी को कुल वोट मिले हैं 57,662। दूसरे नंबर पे रहे लक्ष्मण राम कलरू जो मेघवाल समाज से आते हैं, उनको वोट मिले हैं 44,827 वोट, तो जो मार्जिन है 12,000 के आसपास करा है। अब बात करते हैं कि 2018 में मतदाता कितने थे, तो अगर 2018 में मतदाता की बात कर लेते तो मेड़ता विधानसभा में 252,405 मतदाता थे, ये रिकॉर्डेड जो निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से हमने निकाला है। और अब जो बढ़कर नए मतदाता है वो करीब 32,000 मतदाता है, वो नए मतदाता है। आपको बताएं कि 2023 में जो कुल मतदाता है जो लीगल वोटर है वो है 285,262, जिसमें से 147,556 पुरुष और महिलाएं हैं, 137,706 जो महिलाएं हैं। जो इस बार विधानसभा चुनाव में जो निर्णायक भूमिका होगी वो फर्स्ट टाइम वोटर होगी जिनकी संख्या है 32,857। और इस बार मेड़ता विधानसभा में करीब 267 पोलिंग जो बूथ बनाए गए जहां पे मतदान होगा, तो साफ तौर पर देखा जाए मेड़ता विधानसभा चुनाव की तो इस बार जो मैदान में दावेदारी करते नजर आ रहे हैं करीब जो प्रमुख चेहरे हैं करीब 1 दर्जन से ज्यादा चेहरे हैं जो इस बार दावेदारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। और आपको बताएं कि इस बार मेड़ता विधानसभा में राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल है उनसे अलावा भी निर्दलीय भी निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। आपको बताएंगे इस बार जो ये आरक्षित सीट है इसमें भी आरक्षित जो वर्ग के नेता है वो भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरी मौका हो, तो वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। इस बार वो किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ते नजर आएंगे चाहे किसी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले। और कुछ ऐसे जो चौंकाने वाले भी नाम आपके सामने आ सकते हैं, अभी किसी और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है उसे टिकट नहीं मिले किसी और पार्टी में भी वो चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आगामी दिनों में किस प्रकार से ये मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तक के जो हालात है वो आपके साथ हम पेश किए हैं। आगामी दिनों में भी इसकी पल-पल की अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये मेड़ता विधानसभा की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नए वोटर हमारे 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें 252,405 मतदाता थे और 5 साल में विभिन्न स्वीप की गतिविधियां SSR के कार्यक्रम के कारण 2023 की जो अभी अद्यतन वोटर लिस्ट है उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 285,262 मतदाता है, यानी कि गत चुनाव के बाद इस चुनाव में 32,857 मतदाता नए जुड़े हैं। और इनमें जो नए जुड़े हैं इनमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 147,356 और जो महिला मतदाता हैं वो 137,706 नए मतदाता हैं। इस बार पोलिंग बूथ है जो 266 अपने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ है।